दोस्तों, अधिकांश लोग अपने सपने और सपनों से अधिक हासिल कर सकते हैं यदि वे प्रयास करने का दृढ़ संकल्प रखते हैं। यह शब्द उस व्यक्ति के हैं जिसने एक छोटी सी कॉफ़ी कंपनी को दुनिया की सबसे बड़ी और सफल कंपनी बनाई और कामयाबी की नई नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, जिसमें दुनिया में 3 लाख लोगों से ज़्यादा लोग काम करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं फॉर्मर ओनर ऑफ सिएटल सुपरसोनिक और चेयरमैन ऑफ स्टारबक्स हॉवर्ड शुल्ज़ की। हॉवर्ड शुल्ज़, जिनको 2016 में फोर्ब्स ने $3 बिलियन के साथ US के 232वें सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब दिया। दोस्तों, हॉवर्ड शुल्ज़ का जन्म ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में 19 जुलाई 1953 में एक गरीब ज्यूइश फैमिली के घर में हुआ था। उनकी माँ एलिन और पिता फ्रेड शुल्ज़, जो कि एक ट्रक ड्राइवर थे। हॉवर्ड शुल्ज़ ने 1971 में ग्रेजुएशन कार्नाइस हाई स्कूल से की, जो कि ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में है। हॉवर्ड शुल्ज़ एक नेचुरल एथलीट थे और उनको बेसबॉल, फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलना बहुत पसंद था और उनको नॉर्थन मिशिगन यूनिवर्सिटी की तरफ से एथलेटिक छात्रवृत्ति से भी सम्मानित किया गया। 1975 में उन्होंने कम्युनिकेशन में बैचलर की डिग्री हासिल की और वे अपने परिवार में बैचलर डिग्री हासिल करने वाले पहले व्यक्ति थे। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने जीरोक्स कॉरपोरेशन में एक सेल्समैन की नौकरी की और जल्द ही अपने काम की वजह से प्रमोट होकर कंपनी के सेल्स का पूरा काम संभालने लगे। 1989 में उन्होंने हैमर प्लास स्वेडिश ड्रिप कॉफ़ी मेकर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जनरल मैनेजर के पद पर भी काम किया, जहां वे 20 कर्मचारियों के साथ अपने US ऑपरेशन की जिम्मेदारी निभाने लगे और वह स्टारबक्स जैसी कंपनी में कॉफ़ी ग्राइंडर सहित घरेलू उपकरणों की सेल्स कर रहे थे। एक बार 1981 में स्टारबक्स जैसी छोटी कंपनी ने दूसरे पॉपुलर स्टोरों से कहीं ज़्यादा कॉफ़ी मशीनें खरीदी। तब हॉवर्ड्स ने स्टारबक्स के ओनर से मिलने का निर्णय किया और उनसे मिलने सिएटल गए। वह कंपनी के कॉफ़ी की नॉलेज से बहुत प्रभावित हुए और एक साल तक उनके संपर्क में रहे और उनके साथ काम करने की रुचि भी व्यक्त की और एक साल बाद उन्होंने स्टारबक्स में डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग के पद पर ज्वाइन किया। स्टारबक्स, जो कि 1971 में 3 पुराने कॉलेज के दोस्त जेरी बाल्डविन, गॉर्डन बाउकर और जेव सेगल ने मिलकर स्टार्ट की थी। स्टारबक्स में आने के बाद हॉवर्ड शुल्ज़ ने बीन कॉफ़ी, चाय पत्ती और मसाले के बिजनेस के अलावा ट्रेडिशनल एस्पेरो जैसे पेय पदार्थों में भी बिजनेस में सलाह दी और एक सफल कैफे कॉन्सेप्ट के बाद स्टारबक्स के मालिकों ने इसे बंद कर दिया, जो कि एक पायलट प्रोजेक्ट था, और कहा कि वे रेस्टोरेंट के बिजनेस में नहीं आना चाहते। इससे फ्रस्ट्रेट होकर हॉवर्ड्स ने 1985 में स्टारबक्स को छोड़ने का निर्णय कर लिया और अपना स्टोर खोलने का फैसला किया और इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए उन्हें करीब $4 लाख की ज़रूरत थी। उन्हें $1 लाख एक डॉक्टर से मिले जो बहुत ही इम्प्रेस था। जेरी बाल्डविन और गॉर्डन बाउकर ने भी मदद की पेशकश की और अंत में 1986 में उन्होंने जर्नाले नाम से पहला कॉफ़ी स्टोर खोला, जो कि कॉफ़ी के साथ साथ आइसक्रीम भी ऑफर करती थी, छोटी सी बैठने की जगह और साथ में बैकग्राउंड में ओपेरा म्यूज़िक। 2 साल बाद ओरिजिनल स्टारबक्स मैनेजमेंट ने भी चाय और कॉफ़ी के बिजनेस में आने का फैसला कर लिया और स्टारबक्स की रिटेल यूनिट को $3.8 मिलियन में हॉवर्ड और जियोनाले को बेच दिया और बाद में हॉवर्ड ने जियोनाले का नाम बदलकर स्टारबक्स रख दिया और पूरे यूनाइटेड स्टेट में तेजी के साथ इसके विस्तार में लग गए और अपनी मेहनत के दम पर इसको कामयाबी की नई नई ऊंचाइयों तक ले गए। स्टारबक्स में अब तक 75 देशों में 27,300 से अधिक स्टोर हैं और इस कॉफ़ी चेन ने 2017 में $22.4 अरब का मुनाफा भी किया और अभी कंपनी की बाजार पूंजी करीब $84 अरब है और उनकी खुद की नेटवर्थ करीब $3 अरब है। तो दोस्तों, यह थी हॉवर्ड्स की सफलता की कहानी, जो हमें यह सिखाती है कि यदि हम किसी लक्ष्य को पाने का दृढ़ संकल्प रखते हैं तो निश्चित ही हम उसे हासिल कर सकते हैं, बस यह प्रयास अगर ईमानदारी से किया जाए। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको बिलियनेयर हॉवर्ड शुल्ज़ की यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अगर आप हमारा वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।